वेलकम टू एजुकेशन इन योर हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि है रूलिंग द कंट्री साइड। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था 1764 में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है और उस बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी जीत जाती है। जब वो कंपनी बैटल ऑफ बक्सर में जीत जाती है तो उसको मिल जाता है दीवान ऑफ बंगाल। ठीक है, 1765 में क्या होता है, मुगल एम्पायर जो उस टाइम के होते हैं वो कंपनी को बना देते हैं दीवान ऑफ बंगाल और ये सब होता है अंडर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तब जब कंपनी को मिल जाता है दीवान ऑफ बंगाल तो उसमें क्या होता है कि कंपनी मतलब बंगाल के अंदर जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो जो है कंपनी को चला जाएगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा रेवेन्यू का, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब कंपनी करेगी। ठीक है, तो एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। इसके बाद क्या है कि कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी है तो इसको इंश्योर करना है कि उसके जो भी उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए वो उसको आसानी से वो खरीद सके और जो वो प्रोडक्ट चाहे वो उसको आराम से बेच सके। ठीक है, तो क्योंकि है तो वो एक एलियन पावर, मतलब कि दूसरी कंट्री का है, लोकल तो है नहीं, तो उसको थोड़ा बहुत लोकल जो भी मार्केट्स होंगे, जो भी लोकल क्राफ्ट पर्सन होंगे या जो भी लोकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनसे थोड़ा बहुत उन पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा। वो पूरी तरीके से तो लोकल पावर को हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। सो 1765 में क्या होता है, दीवानी मिलती है कंपनी को और ये बन जाता है दीवान ऑफ बंगाल, जिसकी मदद से वो जितना भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है अब कंपनी के अंदर आ जाता है। तो ये जो आप फोटो देख सकते हैं, ठीक है, इसमें जो है दीवान ऑफ बंगाल दिया जा रहा है रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पे उस टाइम के मुगल एम्पायर से, और ये जो है पेंटिंग्स जो है वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी और बहुत सारी इसी तरह की पेंटिंग्स बनाते रहते थे ताकि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको देखा जा सके। दीवानी मिलना मतलब कि जो कंपनी है वो बन जाती है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या होता है कि आपको जो है रेवेन्यू कलेक्शन भी करना है, रेवेन्यू का असेसमेंट भी करना है, लेकिन क्योंकि जो कंपनी है वो एक ट्रेडिंग कंपनी ही रहती है, अपने आप को समझती है, तो वो क्या करती है कि सिर्फ उसको मतलब होता है किस तरीके से पैसा आ रहा है। ठीक है, कलेक्शन पे ध्यान नहीं देती, असेसमेंट पे ध्यान नहीं देती, उसका यही एफर्ट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को वो जनरेट मिल सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैसा मिल सके ताकि इंडिया का जो कॉटन है और जो सिल्क है वो उसको आसानी से मिल सके। ठीक है, बहुत सस्ते दाम में ये मिल सके, तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा उस कंपनी के लिए कॉटन और सिल्क को ख़रीदना उतना आसान हो जाएगा। तो विद इन 5 ईयर्स क्या होता है, जितनी भी कंपनी जो है गुड्स खरीदती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, बंगाल से जितनी भी गुड्स खरीदी जाती है वो डबल हो जाती है आफ्टर बिकमिंग अ दीवान। ठीक है, तो 65 में जो दीवान वो बना, 70 में क्या होता है जितने भी गुड्स वो लोग खरीदते थे वो उसका डबल मतलब डबल क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं। तो पहले क्या होता था कि कंपनी जो है वो गोल्ड और सिल्वर जो है ब्रिटेन से इंपोर्ट करती थी, ब्रिटेन से मंगवाती थी, लेकिन क्योंकि अब जो है उन लोगों को इतना रेवेन्यू मिल जा रहा है बंगाल के, बंगाल से इतना रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा है कि अब उन लोगों को इंपोर्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये सिचुएशन देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से ये काम होगा कि जो भी आप चीज़ जो है बहुत सस्ते दाम पर सारा चीज़ यहाँ से ले जा रहे हो और अब जो रेवेन्यू आपको मिल रहा है वो स्टेट पे नहीं, आप इंग्लैंड भेज रहे हो, यूनाइटेड किंगडम भेज रहे हो, सो ऑब्वियसली बात है जो बंगाल की इकनॉमी है उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, अगर जो है कोई चीज़ खरीदी जाती है बंगाल से तो पहले क्या होता है बंगाल में खरीदी जाएंगे तो बंगाल के लोगों के लिए भला होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है बंगाल से खरीदी जा रही है और वो फिर बाहर भेज दिया जा रहा है इंग्लैंड में, तो उससे क्या हो रहा है बंगाल की इकनॉमी को तो कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा, बंगाल की इकनॉमी ख़राब होती जा रही है, तो धीरे धीरे उसमें क्राइसिस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी आर्टिसनल प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन है वो सब डिक्लाइन होने लगता है और 1770 तक आ जाता है बहुत टेरेबल फेमाइन जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो धीरे धीरे क्या हुआ, दीवानी मिली, दीवानी मिलने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू कंपनी के पास हो गया, लेकिन कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, सिर्फ एक रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में अपने आप को देखता है। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं कि कलेक्शन कैसे हो रहा है, असेसमेंट कैसे हो रहा है, उसको बस पैसा चाहिए। उसको पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि वो जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इंडिया से जैसे कॉटन और सिल्क उसको चीप सोर्स में, चीप मतलब सस्ते दाम पे खरीदना चाहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे रेवेन्यू उसको मिलता रहता है
वो जो है इसको खरीदने लगता है बहुत ज़्यादा, और खरीद के जो भी चीज़ वो प्रोडक्ट बनाता है वो इंग्लैंड भेज दिया जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है खरीद के इंग्लैंड भेज दिया जाता है तो बंगाल के लोगों का फ़ायदा नहीं होता, और उसकी वजह से बंगाल में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पर फेमाइन आ जाता है, भूखमरी आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो जब इकनॉमी की हालत ख़राब हुई बंगाल की, जो वहाँ के फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर था, वो उसका कल्टिवेशन ख़राब होने लगा, सो ऑब्वियस ही बात है ब्रिटिशर्स को भी कॉटन और सिल्क आसानी से नहीं मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स भी धीरे धीरे समझ गए कि अगर हम लोग को अपना प्रॉफिट कमाना है तो हम लोग को एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए 20 ईयर्स तक डिबेट करने के बाद उन्होंने लॉन्च किया परमानेंट सेटलमेंट, जो कि हुआ था 1793 में। अब अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट जितने भी राजस और तालुकदार थे उनको बोला गया कि वो ज़मींदार के रूप में काम करेंगे, ठीक है। इनका काम है कि आप जितने भी पीजेंट्स हैं, ठीक है, उनसे रेंट कलेक्ट करो और फिर उस रेंट में से कुछ अमाउंट आप कंपनी को दे दो। परमानेंट सेटलमेंट की खास बात ये थी कि इसका जो फर्स्ट वर्ड है परमानेंट, मतलब आपको जो अमाउंट जो है कंपनी को देना है वो परमानेंटली फिक्स्ड है। सो अगर मान लीजिए कि आपको 100 रुपीज़ आपने रेंट, आपका रेंट कलेक्ट हुआ है फार्मर से, तो बोला 50 रुपीज़ जो है एज एन अमाउंट आपको कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये जो 50 रुपीज़ का अमाउंट है ये फिक्स है, ठीक है। सो अगर आपको रेंट 200 भी मिलता है तो आपको सिर्फ 50 रुपीज़ ही कंपनी को देना पड़ेगा। यही सोच के साथ परमानेंट सेटलमेंट को लगाया गया था, और उनका ये भी मानना था ब्रिटिशर्स का कि ये जो हमारा परमानेंटली फिक्स है तो अगर जो है रेंट ज़्यादा कलेक्ट होता है तो ज़मींदार को भी फायदा होगा। तो इससे क्या होगा, ज़मींदार और इनक्रेज करेंगे कि लैंड का जो है इम्प्रूव हो सके लैंड, ठीक है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो और इम्प्रूव हो सके, मतलब हमारा एग्रीकल्चर सुधर सके, ठीक है। लेकिन ये जो परमानेंट सेटलमेंट का जो सोच था वो ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि हम लोग को बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे। ब्रिटिशर्स ने जो इतना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कर दिया था रेवेन्यू की ज़मींदार को देना कि ज़मींदार लोग जो है पे कर ही नहीं पाते थे। हमारी एग्रीकल्चर जो है उस टाइम ख़राब थी, ठीक है, एग्रीकल्चर ख़राब होने की वजह से फार्मर्स जो ज़्यादा रेंट दे ही नहीं सकते थे ज़मींदार को, ज़्यादा रेंट ज़मींदार उसको नहीं दे पाएंगे तो ब्रिटिशर्स को कैसे ज़मींदार देंगे। इसके अलावा ज़मींदार ने भी कोई ख़ास ऐसा मतलब कह सकते हो कि काम नहीं किया जिससे कि जो है लैंड का इम्प्रूवमेंट हो सके, वो बस बैठे रहते थे, ठीक है। तो उससे क्या होने लगा, ज़मींदार की जो ज़मींदारी थी वो धीरे धीरे छिनने लगी, क्योंकि बोला जाता था कि अगर ज़मींदार को प्रेशर रहता था कि अगर आप जो है पेमेंट नहीं कर पाओगे तो आपकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी। तो उसी की वजह से बहुत सारे लोग पेमेंट कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा था नहीं, उन लोगों को रेंट मिल नहीं पाता था तो पेमेंट हो नहीं पाता था। इसके अलावा वो लोग भी ध्यान नहीं देते थे कि लैंड को इम्प्रूव करना चाहिए, तो लोग पे ही नहीं कर पाते थे, और पे नहीं कर पाते थे तो उन लोग से वो ज़मींदारी लेके उसको ऑक्शन में बेच दिया जाता था, मतलब दूसरों को बेच दिया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने स्टार्ट हुई। तो उससे क्या हुआ कि कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, उसमें ज़मींदार को फ़ायदा हो गया, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने तो परमानेंट सेटलमेंट किया था तो वो लोग जो है वो उसका अपना रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते थे, जितना उन लोगों को पहले मिल रहा था उतना ही मिल रहा था, तो एग्रीकल्चर का एक्सपैंड होने का उन लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम्स में आपको ये सबसे पहला ये आ गया कि ज़मींदार ने कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लिया नहीं कि लैंड को इम्प्रूव करना चाहिए। इसके अलावा कल्टिवेशन अच्छा नहीं था तो उन लोगों को रेंट मिलता नहीं था, रेंट मिलता नहीं था तो वो लोग पे कर नहीं पाते थे, पेमेंट नहीं होने की वजह से उनसे ज़मींदारी छीन ली जाती थी और उनका जो भी ज़मींदारी वो ऑक्शन करवा दिया जाता था। फिर जब कल्टिवेशन इम्प्रूव हुआ तो उसमें क्या हुआ कि कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो परमानेंटली फिक्स कर दी अमाउंट, ठीक है, तो अब कल्टिवेशन अच्छा हो बुरा हो कंपनी को उतना ही पैसा मिलेगा। इन तीनों चीज़ों के अलावा जब कल्टिवेशन अच्छा होने लगा तब भी ज़मींदार ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया लैंड को इम्प्रूव करने का। वो भला क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा, उसको तो सिर्फ मतलब है रेंट कलेक्ट करने से। तो बहुत लोग जिसकी लैंड मतलब जो अपना ज़मींदारी खो चुके थे उन लोगों को तो ऐसे इंटरेस्ट नहीं था, और बहुत लोग अब सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छा उन लोगों को पैसा कमाने का ज़रिया है, क्योंकि उन लोगों को तो खुद काम करना नहीं था, उन लोगों को तो बस कलेक्शन करना था, तो इसलिए उन्होंने कभी कोई इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। इसके अलावा जो वहाँ पे काम करते थे, जो कल्टिवेटर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, क्योंकि उनको जो है बहुत हाई रेट में पे करना पड़ता था ज़मींदार को, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। उस
उसको उस जमींदार को पे करने के लिए वो लोग जो है लोन्स लेते थे बहुत सारे मनी लेंडर से, ठीक है। और अगर उन लोग को पेमेंट नहीं हो पाता था तो उनकी जो ज़मीन है वो उन लोग से छीन ली जाती थी। तो जिस ज़मीन पे वो लोग सदियों से काम कर रहे थे, जनरेशन से काम कर रहे थे, वो उन लोग से ले लिया जा रहा था। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम है वो कल्टिवेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाया जा रहा है। सो हमारा हो गया प्रॉब्लम ऑफ ज़मींदार, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स को क्या प्रॉब्लम आया, कल्टिवेटर को क्या प्रॉब्लम आया। ज़मींदार को प्रॉब्लम आया कि शुरू में क्या हो रहा था, कल्टिवेशन अच्छा हो नहीं रहा था, वो लोग इम्प्रूव कर नहीं रहे थे लैंड को, तो उससे वो लोग पेमेंट कर नहीं पाते थे ब्रिटिशर्स को। जब पेमेंट वो लोग कर नहीं पाते थे तो उनसे वो ज़मींदारी छीन ली जाती थी। ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम तब आया जब जो है जो कल्टिवेशन है बढ़ने लगा, कल्टिवेशन जो है इम्प्रूव हुआ, लेकिन ब्रिटिशर्स को उतना ही अमाउंट मिलता था क्योंकि उन्होंने परमानेंटली एक फिक्स कर दिया था अमाउंट। कल्टिवेटर्स को प्रॉब्लम इस बात का हुआ कि उन लोग को बहुत हाई अमाउंट ऑफ जो रेंट है वो ज़मींदार को देना पड़ता था, तो जिसकी वजह से उन लोग के पास ज़्यादा बचता नहीं था। और वो रेंट भी देने के लिए वो लोग लोन लेते थे मनी लेंडर से, और इतना ज़्यादा कर्ज होने की वजह से जो है वो लोग चुका नहीं पाते थे, तो उनसे उनकी ज़मीन भी छीन ली जाती थी जो कि वो लोग बहुत टाइम से उस पर काम कर रहे थे। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें देखने को मिलेगा कि दो टाइप के सिस्टम जो है बनाए गए थे। पहला सिस्टम हम लोग जो बात करेंगे वो है महलवारी सिस्टम, और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो है रायवारी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं महलवारी सिस्टम के बारे में। तो ये हमें देखते हैं कंपनी ऑफिशियल्स भी चाहते हैं कि जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको चेंज किया जाए। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस है बंगाल का, ठीक है, जो कि इसमें आजकल उत्तर प्रदेश आते हैं, उसमें एक इंग्लिशमैन होते हैं हॉल्ट मैकेंजी। वो जो है एक नया सिस्टम को लॉन्च करते हैं। इनके डायरेक्शंस में क्या होता है, कलेक्टर्स जो है वो हर एक विलेज में जाते हैं और सारा इंस्पेक्शन करते हैं, और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि हर एक प्लॉट, विलेज का हर एक प्लॉट से कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और हर एक प्लॉट के विलेज से रेवेन्यू कितना जनरेट होगा उसको ऐड अप करके जो है बनाया जाता है कि एक विलेज में कितना जो है आपको पे करना पड़ेगा। हर विलेज को बोला गया महल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 10 विलेजेस हैं, ठीक है, इसका मतलब हुए 10 महल्स, और एक विलेज में जो है आपके 4 प्लॉट हुए, ठीक है, तो एक विलेज में 4 प्लॉट मतलब 40 प्लॉट्स, वो एक एक प्लॉट जो है कितना जो है आपका कंट्रीब्यूट करेगा रेवेन्यू में उसको कैलकुलेट किया जाता था। तो मान लीजिए जैसे उस एक विलेज में 4 प्लॉट थे, तो उस चारों प्लॉट से जो है बोला जाता है हर एक प्लॉट से कितना रेवेन्यू कैलकुलेशन मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा, उस चारों प्लॉट को ऐड किया जाता था और उससे पता चलता था कि एक विलेज से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। उसी तरह बाकी 9 विलेजेस का भी किया गया था। तो ये हुआ हमारा महलवारी सिस्टम, क्योंकि इसमें विलेज को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, एक विलेज से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इसको बोला गया कि इसको परमानेंटली नहीं, इसको हम लोग पीरियोडिकली मतलब एवरी ईयर हम लोग जो है इसको रिवाइज कर, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन का है ये दिया गया था विलेज हेडमैन को, ना कि किसी ज़मींदार को, क्योंकि विलेज का इसमें आता है रोल, तो इसको महलवारी सिस्टम बोला गया क्योंकि इस विलेज को महल बोला जाता है, ठीक है। तो हॉल्ट मैगेंजी ने इसे स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता है कि जो है जो भी कलेक्शन के लिए जो भी लोग होते हैं वो विलेज टू विलेज जाते हैं और पता करते हैं कि एक प्लॉट ऑफ विलेज कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उसी तरह जितने भी उस विलेज में प्लॉट है उन सभी का रेवेन्यू जनरेशन को ऐड किया जाता है, उससे पता चलता है एक विलेज कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, और उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि सारे विलेजेस मिला के कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि विलेज को महल बोला जाता था तो ये सिस्टम हुआ महलवारी सिस्टम। दूसरा है हमारा रायद्वारी सिस्टम। तो ये जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी साउथ में, ठीक है, इन लोगों को जो है परमानेंट सेटल का उतना आइडिया मिला नहीं था, इन्होंने अपना दूसरा ही सिस्टम बनाया जो कि है रायद्वार या रायद्वारी सिस्टम। इसको जो है स्मॉल स्केल में सबसे पहले यूज़ किया गया था बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ये कुछ एरियाज में किया गया था जो कि टीपू सुल्तान से लिया गया था। जो सिस्टम है इसको डेवलप किया था थॉमस मुनरो ने, और ये साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस हुआ था। तो साउथ इंडिया में जो उतने ज़मींदार होते नहीं थे, तो इसके क्या हुआ कि जो कल्टिवेटर्स होते थे जिनको रायट्स बोला जाता था, ठीक है, उनको जो है बोला जाता था कि उन लोग से डायरेक्टली हम लोग जो है जितना भी जितने भी कल्टिवेटर्स हैं उन लोग से हम लोग डायरेक्टली रेवेन्यू लेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से रेवेन्यू असेसमेंट होता था वहाँ पे, सारे फील्ड्स में जाके कैलकुलेट किया जाता था कि हर एक राइट या हर एक कल्टीवेटर कितना रेवेन्यू हम लोग को दे सकता है। तो उसी में थॉमस मुनरो कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है उसको एक पेरेंटल फिगर की तरह, जो या फिर पैटर्नल फादर फिगर की तरह कल्टीवेटर्स को देखना है, ठीक है, उन लोग को प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, और बदले में जो है प्रोटेक्शन के बदले उन लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। सो महलवारी सिस्टम में जो है विलेजेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और रायत वाले सिस्टम में आपको देखने को मिला कि पर कल्टीवेटर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो रायत वाले सिस्टम है, जो कल्टीवेटर वाला सिस्टम है, वो साउथ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा फेमस था, और जो महलवारी सिस्टम है वो आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया में ज़्यादा फेमस है, नॉर्थ एरिया में कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो महल वाली सिस्टम था, रायत वाली सिस्टम था, इसमें भी वही चीज़ थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा हाई रेट में इम्पोज किया हुआ था रेवेन्यू का, ठीक है। पीजेंट जो है वो उन लोग को पे ही नहीं कर पाते थे, और जितने भी विलेजेस थे उन लोग से वो भाग जाते थे। वो लोग जो कुछ ऑफिशियल्स थे वो पॉजिटिवली सोच रहे थे कि इस तरीके से जो है फार्मर्स का भला होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फार्मर्स की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, सिंपली बिकॉज उन लोग को बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में डिमांड के जो भी रेवेन्यू है वो देना पड़ता था। तो जितना उन लोग बनाते नहीं उससे ज़्यादा उन लोग को देना पड़ता था, तो उसकी वजह से उन लोग की जो सिचुएशन है वो ख़राब होती गई। सो इस पार्ट में इतना ही, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।